हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोलर पैनल का यूज़ करके आप ई बाइक की जो बैटरी होती है उसे किस तरह से डायरेक्टली आप चार्ज कर सकते हैं। ये मेरे पास लुमिनस कंपनी का सोलर पैनल है जो कि 24 वोल्ट और 370 वाट वाला पैनल है। और ये मेरे पास ई बाइक की बैटरी है जो कि 48 वोल्ट और 30 एच की लिथियम आयन बैटरी है। और इस बैटरी को मैं इस सोलर पैनल का यूज़ करके चार्ज करने वाला हूँ। और बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मेरे पास 1200 वाट का जो बूस्ट कन्वर्टर है इसका यूज़ हम करेंगे, तो इसका यूज़ करके हम इस बैटरी को इससे डायरेक्टली चार्ज कर पाएंगे। इस बूस्ट कन्वर्टर का यूज़ करके आप आउटपुट में 12 से लेकर के 90 वोल्ट तक के ले सकते हैं। और बात करें करंट की तो 20 एम्पीयर तक का करंट आप इसमें मैक्सिमम ले सकते हैं। ये मेरे पास सोलर पैनल के आउटपुट है जो कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। इसका जो आउटपुट वोल्टेज है आपको मैं मल्टीमीटर का यूज़ करके बता देता हूँ कि कितना आउटपुट वोल्टेज अभी हमें इसकी सहायता से हमें मिल रहा है। तो अभी जो इसका वोल्टेज है 44.8 लगभग 45 वोल्ट के करीब इसमें हमें जो वोल्टेज है वो मिल रहा है। और ये जो वोल्टेज है इसका ओपन सर्किट वोल्टेज है। और इतने वोल्ट से जो हमारी जो लिथियम आयन की बैटरी है ये चार्ज नहीं हो पाएगी, तो इसे हमें बढ़ाना होगा। तो इसके जो वोल्टेज है बढ़ाने के लिए हम इस जो बूस्ट कन्वर्टर का है इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करके हम इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसे बढ़ा देंगे और जो कि हमारी बैटरी को अच्छी तरह से चार्ज कर पाएगा। अब कितने वोल्ट हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए उसे बताने के लिए मैं आपको इसका जो ओरिजिनल चार्जर है उसमें बता दे रहा हूँ। आपको इसमें लिखा हुआ 58 वोल्ट इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, इतना ही वोल्टेज हमारे जो बूस्ट कन्वर्टर है उसमें सेट करना होगा। और बात करें करंट की तो 6 एम्पीयर की मैक्सिमम करंट इसमें चाहिए रहेगी। तो अब मैं आगे अपने जो पैनल से जो आउटपुट करंट है वो कितना मिल रहा है वो अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि कितना आउटपुट करंट हमें इसे मिल रहा है। तो इसका जो हम शॉर्ट सर्किट करंट है वो चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं जो उसका मल्टीमीटर को नॉब है उसे चेंज कर देता हूँ और इसे करंट वाले रेंज पर ला कर सेट कर दिया है मैंने। ये जो मल्टीमीटर है 10 एम्पीयर की मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है और जो हमारे पैनल का जो आउटपुट करंट है वो लगभग 10 एम्पीयर से ऊपर में है, तो हो सकता है हमारा जो मल्टीमीटर वो ख़राब हो जाए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसे चेक करके। तो मुझे लगता है हमारा जो मल्टीमीटर है वो ख़राब हो चुका है क्योंकि इसमें कोई करंट की रीडिंग नहीं आ रही है, क्योंकि हमने जो इसकी लिमिट है उससे ज़्यादा इसमें जो करंट है वो मेज़र कर लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और एक मल्टीमीटर है जिसका यूज़ हम आगे वीडियो में करेंगे। तो अब इसके बाद हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर है उसमें हम सोलर पैनल के कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें हम सोलर पैनल का जो पॉजिटिव है वो बूस्ट कन्वर्टर के पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और जो निगेटिव वायर है उसे बूस्ट कन्वर्टर के निगेटिव के साथ में जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो पैनल के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद इसका जो आउटपुट वाला एलईडी है वो जलने लगा है, मतलब इसमें जो आउटपुट है वो आने लगा है। तो अब इसके बाद इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो अभी इसमें 94 वोल्ट है। तो इस वोल्टेज वाले प्रीसेट को घुमा करके हम इसका जो वोल्टेज है उसे हम 58 वोल्ट पर लाकर सेट करेंगे, जिससे कि हमारा जो वोल्टेज है वो हमारी जो बैटरी को चार्ज करने के लिए सफिशिएंट रहेगा। और इसका जो करंट वाला प्रीसेट है उसे हम इसकी मैक्सिमम लिमिट पर लाकर के सेट कर देंगे। और हमारी जो बैटरी का वोल्टेज है वो अभी लगभग 50.9 वोल्टेज इसका आउटपुट वोल्टेज है, मतलब 51 वोल्ट इसमें अभी हमारी बैटरी में है। तो अब हम अपने बूस्ट कन्वर्टर के साथ में एक कनेक्टर को जोड़ देंगे जिससे कि सहायता से हम अपनी जो बैटरी है उसे चार्ज करेंगे। तो इस कनेक्टर को जोड़ने से पहले हमें ध्यान देना है कि इसकी पोलैरिटी सही रहे, नहीं तो हमारी जो बैटरी है वो ख़राब भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव और निगेटिव के साथ में निगेटिव, मतलब इसमें जो है आउटपुट कनेक्शन जो है वो अपोजिट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने अपने बूस्ट कन्वर्टर के आउटपुट में कनेक्टर को लगा भी दिया है और इसी के साथ में हमने मल्टीमीटर भी लगा दिया है। मल्टीमीटर में अभी 58 वोल्ट शो कर रहा है और हम इसे जो कनेक्टर है उसे बैटरी के साथ में लगा देते हैं और इसके बाद हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होने लगी है। तो चार्जिंग के टाइम मैं देख लेता हूँ उसका जो अपना बूस्ट कन्वर्टर है उसका जो हीट सिंक है वो गर्म तो नहीं हो रहा है। तो इसे चेक करने के बाद इसमें जो गर्मी है वो बन रही है, तो इसमें हम एक फ़ैन है उसे लगा लेते हैं जिससे कि ये फ़ैन इस हीट सिंक को ठंडा कर देगा। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ ढूंढा है, ये मेरे पास SMPS का कैबिनेट है जो कि कंप्यूटर का SMPS होता है उसका कैबिनेट है। इसमें फ़ैन भी लगा हुआ है, तो इसी फ़ैन को हम इस बूस्ट कन्वर्टर के साथ में लगा देंगे और इस बूस्ट कन्वर्टर को इस कैबिनेट में रख देंगे। ये हमारे बूस्ट कन्वर्टर के नीचे साइड में यहाँ पर एक 12 वोल्ट का कनेक्टर दिया है, इसमें आप जो फ़ैन है उसे लगा सकते हैं। ये हमने बूस्ट कन्वर्टर के साथ में जो फ़ैन है उसको कनेक्ट कर दिया है और हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। और अभी जो हमारे बैटरी का वोल्टेज है वो 51.5 है और अभी जो टाइम हो रहा है 12:35 और लगभग 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि कितना वोल्टेज इस सोलर पैनल से चार्ज करने पर इस बैटरी का बढ़ता है। तो अभी जो है 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा 2:30 बज गया है समथिंग और हमारी जो बैटरी है उसका वोल्टेज 52.7 समथिंग 52.6 लगभग इसका वोल्टेज बढ़ चुका है, मतलब 1 वोल्ट इसमें बढ़ा हुआ है।
मतलब हमारी जो बैटरी है वो सोलर पैनल के थ्रू चार्ज तो हो रही है, लेकिन इसके जो ओरिजिनल चार्जर है उसके कंपैरिजन में धीरे चार्ज हो रही है। और जो सोलर पैनल का जो आउटपुट होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, और इसी वजह से हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर है वो इतना पावर नहीं दे पा रहा है कि हमारी जो बैटरी है वो इफिशेंटली चार्ज हो पाए। और यही यहाँ पर हमारे पास 370 वाट का पैनल है, और ऐसे ही हमारे पास और एक पैनल होता तो शायद हो सकता था कि हमारी जो बैटरी है वो जल्दी चार्ज होती। तो बेहतर यही होगा कि आप इस बैटरी के साथ में आए हुए चार्जर के साथ ही इसे चार्ज करें, और इसकी जो लाइफ है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसकी जो लाइफ है वो बनी रहेगी। और ये जो बूस्ट कन्वर्टर है इसे मैंने अमेजन से ऑनलाइन परचेज़ किया था। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।